दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर जो एडमिट कार्ड आया है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस पेज पे आप आ जाएंगे। इसका ये जो पेज है ये पोर्टल है जहाँ से आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड और ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा यहाँ पर और ये आपके सामने दिखेगा अपलोड फ़ोटो का, तो अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पे अपने नाम, पिता का नाम और माता का नाम लिखकर अपना जो 25 KB का फ़ोटो है और 250x250 पिक्सल में इसको करके अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा अपलोड सक्सेसफुली। और उसके बाद फिर से आप अपना लॉगिन पे पेज पे आ जाइएगा डैशबोर्ड पे और यहाँ से देखिएगा तो ये आपका दिखेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक। फिर आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका यहाँ से ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। आप अपना सब कुछ डिटेल चेक कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह भी चेक कर सकते हैं और सेंटर भी देख सकते हैं और सेंटर कोड वगैरह भी आप देख सकते हैं। जो जो पेपर के लिए आपने फॉर्म भरा है वो पेपर का आपका यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड दिख जाएगा। तो ऐसे है अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर एडमिट कार्ड पे जो है फ़ोटो किसी और का आ जा रहा है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा सारा का सारा। और जिनका भी एडमिट कार्ड पे फ़ोटो किसी और का आ जा रहा है वो घबराए नहीं, इस तरह का आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र एक्चुअली पुराना है और ये घोषणा पत्र ही आपको मिलेगा, हो सकता है कि बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको दिया जाए। जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर सही से स्पष्ट नहीं है उनके लिए ये अपडेट दिया जाएगा। और इस घोषणा पत्र को भर के आप राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर करवा के फ़ोटो अपना चिपकाकर अपना एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाना होगा। जिन भी छात्रों के साथ ऐसा हुआ है उनको अपना ऐसा ही एक घोषणा पत्र के साथ जो है अपना एडमिट कार्ड संलग्न करके ले जाना होगा और एग्ज़ाम देने जाना होगा।